कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि आज का महामंत्र क्या है, इसका जप कैसे करेंगे, जप करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। पंचांग के बारे में बताएंगे कि सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, चंद्रोदय कब होगा, चंद्रास्त कब होगा, राहु काल कब है, दिशा शूल कब है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, सो मुहूर्त कब है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। 12 राशियों के भी बारे में बताऊंगा कि किसका भाग्योदय होगा, कौन विदेश जाएगा, कौन भूमि खरीदेगा, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखेगा, कौन साहित्यकार बनेगा, किसको अवार्ड मिलेगा, कौन राजनीति में जाएगा। दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, गुरु के नुस्खे भी बताऊंगा और आज जिनका जन्मदिन है उनके भी बारे में बताऊंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। अब हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मूर्छयमामृतात्। यह जो महामंत्र है यह भगवान भोलेनाथ का है, देवाधिदेव महादेव का है। यदि आप अपने जीवन में रोग और जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई दवा काम नहीं कर रहा है, आप परेशान हैं, व्यथित हैं, रोग और शत्रु से परेशान हैं, ऐसे परिस्थिति में इस महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी, आपको दीर्घजीवी बनाएगा, यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा और आपके जो भी शत्रु हैं परास्त होंगे। तो आप इस महामृत्युंजय मंत्र का जप कैसे करेंगे, आप रुद्राक्ष का माला लेकर के सोमवार के दिन से शुरू करिए और क्या करिए कि आप श्वेत रंग का वस्त्र धारण करिए और इस मंत्र को एक माला तीन माला नियमित जप करें, आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। यदि आप शनि के साढ़े साथी शनि की ढैया से परेशान हैं तो शनि के गुरु हैं देवाधिदेव महादेव, तो ये उनकी भी कृपा आप पर बरसेगी और आपकी शनि से भी निजात मिलेगा, तो उस पर शनि का प्रभाव आपकी कुंडली पर नहीं पड़ेगा। तो आप इस महामंत्र का जप करें, आपके लिए लाभप्रद रहेगा, धन धान की स्थिति अच्छी होगी, परेशानियां दूर होंगी। अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 1 जुलाई 2023, दिन है शनिवार, सूर्योदय हो चुका है सवेरे 5:26 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:23 पर, चंद्रोदय होगा सायंकाल 5:26 पर, चंद्रास्त होगा अगले दिन 3:45 पर। आज चंद्रमा रहेगा वृश्चिक राशि में, शुक्ल पक्ष है, त्रयोदशी तिथि है, अनुराधा नक्षत्र है, शुभ योग है, शुभ मुहूर्त है 11:56 से लेकर 12:52 पर, राहु काल है सुबह 8:55 से लेकर के 10:40 प्रातः काल तक रहेगा, पूर्व दिशा का दिशा शूल है। आज आपको ध्यान रखना है कि आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर है। चंद्रमा जब वृश्चिक राशि पर होता है तो नीच की राशि पर होता है, ऐसे में व्यक्ति इमोशनल होता है और परेशान रहता है, सेंटिमेंट में आके कई उल्टे सीधे निर्णय लेते हैं। तो आज आपको ध्यान रखना है कि परेशान ना हो, उल्टे सीधे निर्णय ना लें, अपने बड़ों की बात माने, गुरु की बात माने और फोकस होकर के अपना कार्य करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु काल में कोई भी कार्य ना करें तो आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाएगा। शुभ मुहूर्त में अगर कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो लंबी दूरी की यात्रा और यात्रा पूर्व नियोजित है तो आप एक दिन पूर्व शुभ मुहूर्त में प्रस्थान निकाल कर यात्रा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, कौन डेमोक्रेसी में जाएगा, कौन ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, कौन विदेश जाएगा, किसको आयात निर्यात से धन मिलेगा, किसकी पारिवारिक समस्या का समाधान होगा, दाम्पत्य जीवन किसका अच्छा होगा, शिक्षा में किसकी रुचि बढ़ेगी, कौन वैज्ञानिक बनेगा, कौन साहित्यकार बनेगा, कौन फिल्मकार बनेगा, ये सारी बातें बताऊंगा। किस अंक के प्रयोग करने से आपको लाभ मिलेगा, किस रंग के प्रयोग करने से अपार सफलता मिलेगी, सावधानी क्या बरतने, उपाय क्या करने, सारी बातें बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं आज आपके संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, संतान का चतुर्दिक प्रगति होगा, नए संबंधों से धन लाभ होगा, योग बन रहा है, न्यायालय में विवाद चल रहा होगा उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा, पदोन्नत होने की संभावनाएं बन रही है, दूर देश की यात्रा हो सकती है,
पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता, भाग्य से सारे कार्य संपन्न होंगे, भाग्य आपके पक्ष में है, दूर देश की यात्रा हो सकती है, कई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आज आपको काफी लाभ मिलेगा, पुराने कर्मों का आज आपको बड़ा लाभ मिलेगा, साहित्यिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, बहुत सारे कार्य एक साथ होने से आपको आज हार्दिक प्रसन्नता मिलेगी। सावधानी क्या बरतनी है, लेन देन कोई भी करते हैं तो सोच समझ करके करें। उपाय क्या करना, अपने भार के बराबर 5 प्रकार का अन्न दान करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग सिंदरी कलर, लक मीटर है 8। बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक है आज आपको माता का सुख प्राप्त होगा और आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी, माली हालत अच्छी होगी, नए प्रकार के वाहन खरीदने के अवसर मिलेंगे, पारिवारिक समस्याओं का समूल समाधान होगा, परिस्थितियां आपके अनुकूल है, संतान से मन प्रफुल्लित रहेगा, संतान की टेरिटरी में दखलंदाजी न करें, चोट चपेट लग सकता है, गाड़ी धीरे से चलावें, पदोन्नत होने की संभावना बन रही है, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, आज आपका संघर्ष समाप्त होगा, वाद विवाद करने से बचें, पत्नी की बात को सुने और माता पिता का सुख मिलेगा, पत्नी और माता में थोड़ा विवाद हो सकता है, इसको लेकर के आपकी मानसिक उद्विग्नता बरकरार रहेगी। सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य का परित्याग करें। उपाय क्या करना, भगवान शिव की आराधना करें और उनको बेलपत्र चढ़ा करके जल अर्पित करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सिल्वर कलर, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक है आज आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी, परिवार में शुभ मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है, भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा, दूर देश की यात्रा होगी, माता से सुख प्राप्त होगा, नए तरह के कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा, रोजी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, ससुराल से धन लाभ मिलेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, पत्नी को नौकरी मिलेगी, माली हालत सुदृढ़ होगी, पत्नी से थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो पत्नी का कदर करें, केयर करें और वाद विवाद करते ही न करें, पत्नी का सम्मान करें, अनचाही यात्रा से मन तनाव में हो सकता है, सावधानी क्या बरतें, गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना है, सुहागन महिला को सुहाग की वस्तु गिफ्ट करें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं आज आपको अपनी स्थिति को नियंत्रण में रखें, तनाव की स्थिति हो सकती है, वाद विवाद से बचें, दूर देश की अचानक यात्रा हो सकती है, मन उद्विग्न होगा, आप बहुत कटु बोलते हैं, कटु भाषा बोलने से परहेज करें, जो बात आपको खराब लगती है उस तरह की भाषा का प्रयोग दूसरों के साथ न करें, माली हालत में सुधार होगा, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है, मन प्रसन्न रहेगा, रोग और संत परास्त होंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, पत्नी का भरपूर सुख मिलेगा, नए मेहमान के आगमन की संभावना बन रही है, सावधानी क्या बरतनी है, उतावले पर कोई कार्य न करें नहीं तो नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद, लक मीटर 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं आज का दिन आपके लिए बड़े बेहतरीन है, आप कई महत्वपूर्ण योजनाएं आपकी लाभप्रद रहेगी, कई महत्वपूर्ण योजनाएं काम में उसमें भी आगे बढ़ेंगे और आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, दूर देश की यात्रा होगी, पत्नी से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, वैचारिक मतभेद रहेगा, छोटी छोटी बात को लेकर के आप तनाव में आते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है, तो तनाव न पालें और कई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिन से सोच रहे हैं वो पूरा होगा, माली हालत अच्छी होगी और परिवार में थोड़ा सा तनाव होने की संभावना बन रही, पिता से भी वैचारिक मतभेद हो सकता है, संतान के प्रति समर्पित रहेंगे, आज कोई नौकरी मिलेगी, खर्च अधिक होने से थोड़ा तनाव हो सकता है, तो खर्च पर नियंत्रण करें या इनकम का जरिया बढ़ा लें, अचानक दूर देश की यात्रा हो सकती है, आयात निर्यात हो सकता है, विदेश जाने का अवसर मिलेगा, सावधानी क्या बरतनी है, वाद विवाद से बचें। उपाय क्या करना, केसर युक्त दूध मंदिर में दान करें, सूर्य की आराधना करें, आलस्य का परित्याग करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग केसरिया, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं कन्या राशि की। जो आज कन्या राशि के जातक हैं आज आपको मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपकी दूरदर्शी योजनाएं पूर्ण होने का योग बन रहा है, वाहन खरीद सकते हैं, जमीन भूमि भवन खरीदने के अवसर मिलेंगे, शत्रुओं से तनाव की स्थिति बनी रहेगी, अपने को थोड़ा सा सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है, गुप्त धन की वृद्धि होगी, माली हालत सशक्त होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, पिता का सुख मिलेगा। अब हम बात करते हैं सावधानी की। सावधानी आज आपको क्या बरतनी है, अपनी गोपनीयता बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना, गरीबों को भोजन करावे। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, लक मीटर 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं आज आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, पत्नी का सुख मिलेगा, भूमि भवन जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, उसके लिए आपका दिन बहुत अच्छा है, रियल एस्टेट में अगर आप पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा, पिता का सुख मिलेगा और पिता से लाभ मिलेगा, अधिक खर्चे से मन थोड़ा तनाव में हो रहेगा, नए व्यापार कर सकते हैं, स्थिति आपके अनुकूल है,
ध्यान रखना है कि भावुकता में बह के कोई कार्य न करें, अज्ञात व्यक्ति से कोई लेन देन न करें, इस डेंजर से सावधानी बरतें। सावधानी क्या बरतनी है, अपने व्यय पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करावें। और आपके लिए शुभ अंक के साथ शुभ रंग है नीला, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको पुराने कार्यों से धन लाभ मिलेगा। रियल इस्टेट में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आपके भाई बहन को सुख मिलेगा, उनके सुख के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। पिता से मार्गदर्शन एवं धन लाभ होगा। नए रोजगार मिलने की संभावना बन रही है। पदोन्नत के साथ साथ नए प्रकार के कार्य कर सकते हैं। नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। छोटी छोटी बातों से बचने की जरूरत है। कई प्रकार के नए कार्य होंगे, परेशानियां दूर होंगी। पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेगा, उनकी हेल्थ को लेकर काफी चिंता समाप्त होगी। और अगर घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। सावधानी क्या बरतनी, गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना, ताम्र कलर का वस्त्र उपहार में दे। शुभ अंक 9, शुभ रंग है पीला, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। बात करते हैं धनुराशि की। जो धनुराशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपको बहुत सारे कार्य करने का अवसर मिलेंगे। गुस्से पर नियंत्रण करें। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होगा। कई महत्वपूर्ण कार्य होने की संभावना बन रही है। धन धान की स्थिति अच्छी होगी। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य होने की संभावना बन रही है। दूर देश की यात्रा हो सकती है। आज आध्यात्मिक यात्रा होगी, तीर्थ यात्रा हो सकता है, तीर्थाटन देशाटन हो सकता है। प्रयासरत कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। नौकरी एवं रोजी रोजगार मिलने की संभावना बन रही है। पदोन्नत के साथ साथ नए तरह के कार्य कर सकते हैं, उसकी संभावना बन रही है। आय के अनेक प्रकार के स्रोत की संभावना बन रही है। माली हालत बहुत अच्छी रहेगी। नया कार्य कर सकते हैं। शासन सत्ता से लाभ मिलेगा, पॉलिटिक्स से लाभ मिलेगा और पॉलिटिक्स में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सावधानी क्या बरतनी है, भावेश में आकर कोई कार्य नहीं करना है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। बंदरों को भुना हुआ चना और गुड़ खिलावें। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया, लक मीटर 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आज आपके रुके हुए धन प्राप्त होंगे। कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। जो कार्य पाइपलाइन में वो संपन्न होगा। लेखन कार्य से धन मिलेगा। विदेश जा सकते हैं। आयात निर्यात से धन मिलेगा। महिला मित्र का सहयोग मिलेगा। किसी बुजुर्ग व्यक्ति के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे और कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे। साहित्य सृजन में बड़ा अभिरुचि होगा, बड़ा नाम होगा। पत्नी से थोड़ी अनबन हो सकती है। तेज गति की वाहन चलाने से परहेज करें। अज्ञात व्यक्ति से व्यापार न करें, आपका पैसा डूब सकता है। नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। आवेश में आके कोई कार्य नहीं करना और भावुकता में बह के कोई निर्णय नहीं लेना। कई महत्वपूर्ण कार्य आपके संपन्न होंगे। लेखन कार्य से धन मिलेगा। परिस्थिति आपके अनुकूल है। माली हालत अच्छी होगी और आपको सावधानी क्या बरतनी है, क्रोध में आके कोई कार्य न करें। क्रोध आपका नुकसान पहुंचा सकता है। गुस्से पर नियंत्रण करें। उपाय क्या करना, सरसों के तेल का दीपक जलाना आपके लिए हितकर रहेगा और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग हल्का ग्रे, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज का दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण। आपकी योजनाएं सफल होंगी, उससे लाभ मिलने की संभावना बन रही है और कई महत्वपूर्ण कार्य होने का प्रबल योग बन रहा है। आपकी महत्वाकांक्षी योजनाएं पूर्ण होंगी। दूर देश की यात्रा होगी। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइन से धन लाभ होगा। आपके विरोधी परास्त होंगे। रोग और शत्रु उनके बीच में अपने को घिरे हुए महसूस करेंगे, किंतु आप विरोधियों पर प्रभावी रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। जीवन संगनी का साथ मिलेगा। जीवन साथी का मेंटल इमोशनल मॉरल सपोर्ट मिलेगा। पत्नी की हेल्थ को लेकर के आपकी जो भी चिंता समाप्त होगी, आप प्रसन्न रहेंगे। अज्ञात स्रोत से धन आएगा। आपका मनोबल काफी हाई रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा। पराक्रम से लाभ होगा। संतान का सुख मिलेगा। अनेक आय के स्रोत बनेंगे। सावधानी क्या बरतनी, खर्च पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना, हनुमान जी की आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 9, शुभ रंग पूरा, लक मीटर 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपको शिक्षा के क्षेत्र से लाभ मिलेगा। इनकम का जरिया बढ़ेगा। आज आपको पिता से धन लाभ मिलेगा। संतान सुख मिलते हुए दिख रहा है और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कई महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं और देखा जाए तो कई अनेक कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। छोटी छोटी बात को लेकर आप परेशान हो जाते हैं, न होइए। बहुत सेंसिटिव है, बात कौन सी बुरी लगेगी यह सब दिमाग से निकालिए। अपनी परिपक्वता लेवल पर कार्य करिए। आप गुरु की भूमिका में रहिए, अच्छा रहेगा। और छोटी छोटी बात को लेकर तनाव मत पालिए। गुस्सा पर नियंत्रण करें। पदोन्नत के साथ नई नौकरी मिल सकती है। सावधानी क्या बरतनी, अपने मन को नियंत्रित रखना ही श्रेष्ठ रहेगा। उपाय क्या करना, ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का 3 माला जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। पीला चने का दाल मंदिर में दान करें। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है स्वर्णिम कलर, लक मीटर है 9। हरे कृष्ण। बात करते हैं गुरु के नुस्खे की। आज है दिन शनिवार। कहते हैं कि शनिवार का दिन भगवान शनिदेव के लिए समर्पित होता है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से
अगर हम पूजा उपासना करते हैं तो उससे शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे कष्ट दूर करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कलयुग का न्यायाधिकारी कहा जाता है। वे लोगों की उनके कर्मों के हिसाब से उनके फल को प्रदान करते हैं, इसलिए हर कोई शनिदेव को प्रसन्न करना चाहता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन जरूर उपाय कुछ करें जिससे आपको लाभ मिलेगा। आप करिए कुछ उपाय, आपको बताता हूँ कि शनिदेव प्रसन्न होकर आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करेंगे। बड़े लोगों के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करना चाहते हैं तो इस दिन आपको मंदिर में गुड़ का दान करना चाहिए और सूर्य देव के कुछ मंत्र है उसका जाप करना चाहिए 21 बार कम से कम। मंत्र है ओम ह्रीम घृण सूर्य आदित्याय श्रीम। ऐसा करने से उम्र में बड़े लोगों के साथ आपके अच्छे रिश्ते स्थापित होते हैं और आप उत्तरोत्तर प्रगत करते हैं। शनिवार के दिन पीपल के कुछ कटे पीटे पत्ते ले लें, कम से कम 11 पत्ता लें जो कटा पीटा न हो, और उनकी माला बना लें और इसे माले को क्या करें कि किसी शनि मंदिर में ले जाकर शनि देव को अर्पित करें। माला अर्पित करते समय ओम श्रीम ह्रीम संग सनश्चरायण इस मंत्र का जप करते हुए आप शनि देव को अर्पित करें, उनको धारण करामें। इससे कोर्ट कचहरी की आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। शनिवार के दिन किसी पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत के धागे को 7 बार लपेटे और परिक्रमा करते समय शनि देव का ध्यान करते रहें। ऐसा करने से तरक्की होगी। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए थोड़ा सा काला तिल शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास अर्पित करें। इसके बाद पीपल की जड़ में पानी भी डाल दें। शनिवार के दिन एक काला कोयला लेकर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें, साथ ही संघ सनश्चरायण मंत्र का जप करें। इससे नौकरी मिलने में सफलता मिलेगी तथा आमदनी बढ़ेगी। पुष्य नक्षत्र के दौरान शनिवार के दिन एक लोटा जल लें और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें और इस जल को पीपल के पेड़ के जड़ में अर्पित कर दें और साथ ही ओम ऐं ह्रीं श्रीं सनश्चरायण इस मंत्र का जप करें। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी और आपकी परेशानियां दूर होंगी। अब हम बात करते हैं कि आज जिन जातकों का जन्मदिन है उनके बारे में। आज 1 जुलाई 2023, आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन शुभ हो, मंगल में खूब प्रगत करें, आगे बढ़े, आपका उत्तरोत्तर विकास हो और आपकी चतुर्थिक विकास हो, सुख समृद्धि यश पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त मिले, ऐश्वर्य की वृद्धि हो। आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे, आपके सारे मनोरथ भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण हो। हैप्पी बर्थडे। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनका मूलांक 1 होता है, तो खासतौर से 1, 10, 19 और 28 तिथि के जो जन्म जातक हो तो उनका मूलांक 1 होता है। जो 1 नंबर के लोग होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, प्रगतिवादी सोच के होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, ऊंचे पद पर पहुंचते हैं। ये लोग को देखा गया है SDM, DM, CM, PM तक पहुंचते हैं और राजनीति में बड़े पद पर जाते हैं। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूर्ण होती है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, प्रशासनिक क्षमता इनके अंदर होती है। तो देखा जाता है वर्ष आपके लिए काफी अच्छा हो तो उत्तर विकास प्रगति घर इत्यादि बनवा सकते हैं। जनवरी से लेकर जून तक का जो कालखंड आपके लिए उत्तरोत्तर अच्छा है, स्वर्णिम है और आप उत्तरोत्तर प्रगत करेंगे, सभी महत्वाकांक्षाएं आपकी पूर्ण होगी। पुनः जुलाई से लेकर दिसंबर तक का कालखंड आपके लिए बहुत अच्छा है, संघर्ष के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और प्रगति होगी, घर बनवाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, संतान सुख मिलेगा, पत्नी को नौकरी मिलेगी, आपके विरोधी परास्त होंगे, उत्तरोत्तर विकास होगा। पुनः जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान होगा और सावधानी क्या बरतनी है, गुस्सा नहीं करना है, आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करना है और बड़ों की राय लेके ही कार्य करना है। उपाय क्या करना है, आप भगवत भजन करिए, भगवान विष्णु जी की आराधना करिए और श्री सूक्त का पाठ करें जिससे माली हालत अच्छी हो। और पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। अब बारी है दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने का, तो हमारे साथ देहरादून से राजेंद्र सिंह और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1986 है, 22:30 रात्रि में इनका जन्म हुआ है देहरादून में, ये जानना चाहते हैं कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए अभी जो आपकी दशा चल रहा है वह राहु की महादशा में ये केतु का अंतर चल रहा खत्म हो गया, इसमें राहु में शुक्र चल रहा जो 8/4/26 तक चलेगा। तभी वर्तमान में आपका जून 2023 से लेकर के और अगस्त 2023 तक का स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। इसमें आप ओम जूम सह मंत्र का जप करें और आप चिड़ियों को दाना खिलाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सचेत रहने की जरूरत है।
धन्यवाद। भाग्य गुरु बस आज इतना ही, फिर हम आपसे कल इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।